हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं गुरुराग लर्निंग। तो फ्रेंड, आज मैं देखूंगा टीवी में कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे ठीक करें। तो यही प्रॉब्लम आप दिखाने वाला हूँ आपको। तो फ्रेंड, ऐसा प्रॉब्लम एनी कंपनी का टीवी में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होता है सैमसंग कंपनी का टीवी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होता है? ऐसा प्रॉब्लम होता है इसीलिए जब ईएसटी का जो फोकस और सारिन एडजस्टिंग का वैल्यू चेंज हो जाता है और ज़्यादा बाहर जाता है, तब ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो यह आप देख सकते हैं, ईएसटी का फोकस और सारिन एडजस्टिंग, ये है दोनों पॉइंट। तो इसमें से जो सारिन है, यह है नीचे वाला, यही ग्रिड का जो वैल्यू चेंज होकर ज़्यादा बाहर जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसे घुमाकर थोड़ा सा काम कर दीजिए, देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा टीवी। ऐसा करने से वो ठीक हो जाएगा, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा घुमाऊंगा आप। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं जो सारी नेकडस्टिंग को थोड़ा सा घुमाकर कम कर दिया मैंने और बिल्कुल ठीक हो गया, पिक्चर भी क्लियर आया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको घबराने का कोई बात ही नहीं है। आपको जो करना है, सबसे पहले ईएसटी का सारिन एडजस्ट करके देखना होगा। ऐसा करने से ही ज़्यादातर ठीक हो जाता है। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो को देखने के लिए, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।